एक मिडिल क्लास फैमिली का परिवार था। रिटायर बुजुर्ग पिता और दो भाई, बड़े भाई के पत्नी के साथ दो बच्चे भी, एक कुंवारी बहन और एक भाई पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, वहीं पूरी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, खाना बनाने से लेकर घर से कपड़े और साफ सफाई तक। हीरो जिस मोहल्ले में रहता है उसके कई दोस्त हैं। हीरो थोड़ा बहुत समाज सेवक भी है, किसी की तकलीफ वो देख नहीं पाता, कभी भी किसी की मदद के लिए आ जाता है, यही इसकी कमजोरी भी है, जिसके चलते कई बार उसे पुलिस स्टेशन की हवा भी खानी पड़ी, जिससे उसके घर परिवार वाले उससे परेशान रहते हैं। बड़े भाई उसे पुलिस स्टेशन से हमेशा छुड़वा कर लाते हैं, रात को भी सभी खाना खाने बैठते हैं। छोटा भाई खाते वक्त कहता है, भाभी पनीर की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनाई है, थोड़ी और दो ना। तभी ये सुनकर भाभी ताना मार के कहती है, इतना ही खाने का शौक है तो कमाना सीखो देवर जी, एक तो दिन भर लोफर की तरह घूमते रहते हो, मारा मारी करते हो, पुलिस पकड़ कर ले जाती है और तुम्हारे भैया अपनी मेहनत के पैसे से छुड़ा कर लाते हैं, कुछ शर्म है तुम्हें? और फिर एक बहन कुंवारी घर में बैठी है। बड़ा भाई अपनी पत्नी को चिल्लाकर कहता है, चुप मधु, तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये सुनकर राहुल गुस्से से खाना छोड़कर चला जाता है। तभी पिताजी कहते हैं, अरे बहू क्या हुआ, तुम क्यों उसे ताना मार देती हो? मेरा रिटायरमेंट के पैसे भी तो घर के खर्चे में ही दे देता हूँ ना, और रही बात सरला की, तो वो मैं अपना घर बेचकर उसकी शादी करवा दूंगा। सरला ये सब देखकर रोती है और वो भी उठकर चली जाती है। एक बार बड़े भाई की बेटी बहुत ही सीरियस बीमार हो जाती है, वो बुखार से तप रही थी। उसकी माँ खूब चिल्लाकर रोती है, आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं। पिताजी राहुल से कहते हैं, बेटा डॉक्टर पांडे को फोन करके बुलवा लो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आके चेकअप करता है। लगता है निमोनिया का बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ दवाएं, साथ में ग्लूकोज की बोतल भी, अभी तुरंत ले आओ। पर डॉक्टर साहब, इतनी रात को मेडिकल स्टोर कहाँ खुली होगी? अगर बच्ची को बचाना है तो कैसे भी लाना होगा, और फिर हॉस्पिटल जाते समय देर हो जाएगी। तभी राहुल कहता है, लाइए मैं लाता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। ये कहकर वो स्लीपर लेकर भागता हुआ जाता है और एक मेडिकल स्टोर को खोज लेता है। तभी अंदर से एक आदमी शटर खोलकर बाहर आके पूछता है, अरे भाई क्यों इतनी रात को शटर पीट रहे थे? राहुल पर्ची दिखाते हुए कहता है, मेरी भतीजी बहुत बीमार है, ये दवा दे दीजिए। आदमी स्लिप देखकर कहता है, ये दवाई जो है वो 2000 रुपए में आएगी। राहुल जेब से 500 रुपए देकर कहता है, भैया ये अभी रख लो, बाकी कल सुबह दे दूंगा। ये सुनकर मेडिकल वाला उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। रात के करीब 2 बज गए थे। राहुल उसे 2 घूंसा मारकर कहता है, चुपचाप ये सारी दवा निकाल, नहीं तो आज तेरा मर्डर कर दूंगा। वो दुकानदार डर के मारे सारी दवाएं दे देता है। राहुल भागता हुआ घर आता है और डॉक्टर को सारी दवाइयां दे देता है, जिससे बच्ची की जान बच जाती है। कुछ देर बाद तभी पुलिस वालों के साथ मेडिकल वाला वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर राहुल को अरेस्ट करते हुए कहता है, इसने मेडिकल स्टोर वाले की पिटाई की, जबरदस्ती पैसे बिना दिए ये सारी दवाई ले आई, ये जुर्म है। पुलिस वाले राहुल को ले जाते हैं। दूसरे दिन बड़े भाई उसे जमानत पर छुड़ा लाते हैं। तब से हीरो को बड़ा भाई राहुल को पहले से ज्यादा प्यार करने लगता है और बहुत इज्जत देने लगता है। एक दिन राहुल रास्ते में चाय की टपरी पर अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ चाय पी रहा था कि तभी सामने से एक चमचमाती कार रास्ते के गड्ढे में से कीचड़ उछालकर चली जाती है और सारा कीचड़ राहुल के ऊपर आकर गिरता है। ये देख राहुल के दोस्तों से राहुल कहता है, कौन था रे? एक दोस्त कहता है, विधायक तिवारी जी की इकलौती बेटी ड्राइव कर रही थी ना, वही है। राहुल कहता है, अच्छा। ये बोलकर वो तिवारी के बंगले की तरफ जाता है, गेट के अंदर जाकर चिल्लाता है। तभी लड़की और उसके पिता दोनों आ जाते हैं और कहते हैं, ए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल कहता है, आपकी बेटी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, इसे कहिए हमसे माफी मांगे। विधायक अपनी जेब से 500 रुपए का नोट देकर कहता है, ये ले,
धुलवा लेना। ये सुनकर राहुल 500 का नोट लेकर जेब में रखता है और फिर कार के पास रखा हुआ एक रॉड उठाकर कार के ऊपर जो कांच होता है उस पे मार देता है और कांच टूट कर चकनाचूर हो जाती है। फिर राहुल विधायक के करीब जाकर जेब में रखी वही नोट विधायक को वापस लौटा के कहता है, कांच के शीशे लगवा लीजिएगा। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है। ये देखकर लड़की अपने पिता से कहती है, उसकी ये मजा, पापा देखा आपने? तभी लड़की के पिता कहते हैं, हाँ बेटी, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। और वो किसी को फोन पर अपने आदमियों के साथ बुलाता है। राहुल उसी चाय की दुकान में दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होता है कि तभी विधायक अपनी बेटी के साथ गुंडे लेकर आता है। गाड़ी से उतरकर विधायक गुंडों को राहुल की तरफ इशारा करता है और फिर चार गुंडे राहुल को मारने के लिए टूट पड़ते हैं और राहुल फुर्ती दिखाते हुए सभी गुंडों को मारकर घायल कर देता है। ये देख लड़की राहुल से इम्प्रेस हो जाती है। विधायक गुस्से से चला जाता है। मौका देखकर लड़की अपना नंबर लिखकर राहुल के हाथ चुपके से देकर निकल जाती है। उस दिन के बाद से प्रिया राहुल से प्यार करने लगती है और प्रिया राहुल से मिलने लगती है और फिर एक दूसरे को दोनों चाहने लग जाते हैं। प्रिया कहती है, पिताजी मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। विधायक बेटी को ऊंच नीच का फर्क समझाता है पर वो जिद पर अड़ी रही। ये देख विधायक राहुल को बुलाकर उसके और उसके परिवार के बारे में जानकारी लेता है। विधायक अपनी कंपनी में राहुल को मैनेजर बना देता है और साथ में गाड़ी और 5 लाख सैलरी देता है। राहुल की जिंदगी रातों रात बदल गई और फिर कुछ महीने बाद अपनी बहन को बड़ी धूमधाम से शादी करके विदा कर देता है। उसकी बड़ी भाभी को लाखों की जेवरात बना देता है। ये देख भाभी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और राहुल से उसकी भाभी माफी मांगती है। राहुल कहता है, भाभी आप मेरी माँ समान हो, आपका आशीर्वाद चाहिए। भाभी राहुल को गले लगा लेती है। तभी पिताजी कहते हैं, मेरा राहुल खुद बदनामी और कष्ट उठाकर बिना स्वार्थ का सबकी भलाई करता रहा, कभी भी गलत काम नहीं किया और आज उसी का ये फल है कि बिन मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया। सारी फैमिली के लोग हंसने लगते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।